अगर आप भी जा रहे हो ब्लैक पैंथर मूवी को देखने के लिए तो 3-4 बात आपको जान लेना चाहिए और 2 ऐसी फिल्म बताऊंगा जो कि आपको पहले देख लेना चाहिए, तभी जाके आपको फिल्म देखने का मजा आएगा और एक्सपीरियंस आएगा। वेल गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं डेली रूटीन में ब्लॉग और साथ ही इसके मूवी से रिव्यू और मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स की भी बात करता हूँ। वेल गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल गाइस, अभी आते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट तो भाई ब्लैक पैंथर ही, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी वॉर, उसके बाद भाई तुम्हारा एंड गेम, उसके बाद एक और मूवी तुम देख लेना सिविल वॉर, जो कि ब्लैक पैंथर मूवी स्टार्ट होने से भी पहले वो मूवी आई थी, उसमें ब्लैक पैंथर था, तो तुमको ओरिजिन पता चल जाएगा, तभी जाके मूवी देखने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। और ये आज का टॉपिक। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो भाई 3D में देखना, हो सके तो भाई IMAX में देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला। मेरे बगल वाले जो शहर में है वहाँ पे सिर्फ 3D है, तो मैं 3D में ही जाके चेकआउट करूँगा। आप लोग किस में जाके देखोगे वो जरूर से कमेंट कर देना। इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग कुछ लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में।